केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त फोरम के आह्वान पर की जा रही दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का हरियाणा में व्यापक स्तर पर असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में इसका सबसे अधिक प्रभाव रोडवेज पर दिखाई दे रहा है, जहां अपनी मांगों को आधार बनाते हुए रोडवेज कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। बीते दिन यमुनानगर में जहां सुबह से ही कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से बस चलाने वाले चालकों का विरोध किया जा रहा था, वहीं आज भी यह सिलसिला जारी रहा। कर्मचारी नेताओं ने प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों पर उतारी गई बसों को रोकने का हर संभव प्रयास किया। इसके चलते पुलिस व कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आई। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। यहाँ पर जिला यमुनानगर में अगर यमुनानगर डिपो की बात करें, हम लगभग 700-800 कर्मचारी हैं और इसमें से 95% हमारी हड़ताल कामयाब है। 5% सिर्फ वही लोग हैं जिनको सरकार ने डरा करके धमका करके अधिकारियों ने वैसे लगाया हुआ है साथ, और कोई इस प्रकार का कर्मचारी नहीं। अपनी इच्छा से किसी को जबरदस्ती नहीं रोका गया, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से 100% हड़ताल कामयाब है। और पूरे हरियाणा के अंदर रोडवेज की हड़ताल इसी प्रकार से कामयाब है। कुछ छुटमुट जो बसें चल रही हैं, और वो हमारा पहले से मतलब बेकायदा ऐलान था कर्मचारियों को कि कोई भी किसी कर्मचारी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। बड़े प्यार से राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। जो कर्मचारी स्वेच्छा से आए वो आ सकता है, जो ड्यूटी करना चाहे वो ड्यूटी पर जाए, लेकिन कुछ अधिकारियों ने कई जगह जबरदस्ती डराकर धमका करके उनसे काम लिया जा रहा है। नहीं तो वाकई में कोई भी कर्मचारी इस टाइम ड्यूटी पर नहीं है। तमाम रूप से ये हड़ताल 100% कामयाब हड़ताल है। मैं बालकराम जीएम यमुनानगर। यमुनानगर में स्ट्राइक का कोई खास असर नहीं पड़ा। सवारी आ रही है, उनको जो है ना सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक हमारी जो है ना लगभग 47% मार्गों पर जा चुकी है। सर, कितने परसेंट हड़ताल में कर्मचारी शामिल है, कितनी अपनी नौकरी? सुबह तो हमारी बसें सामान्य जो प्रोसेस है उसके अनुसार चली हैं, लेकिन बीच में अब क्योंकि सवारी कम है तो बसें कम जा रही हैं। इसमें सर जो यूनियंस के लोग बैठे उनका ये कहना है कि बस के अंदर कंडक्टर नहीं है, ड्राइवर है वो लूट मचवी ना, टिकट काट रहे हैं, सिर्फ पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आप उसकी वीडियो बनाओ, हमें दिखाओ, कहीं ऐसा है तो नहीं। वीडियो दी उन्होंने हमें, दिखाओ, प्रूफ दिखाओ हमें। हम हर एक बस में ड्राइवर और कनेक्टर यहाँ से जो DI है वो लिख रहा है, नोट कर रहा है, लगा के भेज रहे हैं। कनेक्टर अपनी शक्ल नहीं दिखाया जाता, उसको छुप के बैठता है, इसलिए क्योंकि वो गालियां देते हैं और चपले मारते हैं, इस वजह से वो जो है ना छुप के बैठते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हमारी जो है ना स्टाफ जा रहा है। अब दिल्ली बिना कनेक्टर के बस जा सकती है क्या? हमारी बस दिल्ली जा रही है, चंडीगढ़ गई है, करनाल गई है, पौंडा गई है। सवारियों को बिना टिकट और बिना कनेक्टर कैसे भेज सकते हैं? तो पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल पूरा सहयोग मिल रहा है जी प्रशासन का। प्रशासन की वजह से ही हम बसें चला रहे हैं। फतेहाबाद डिपो में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। बस स्टैंड पूरी तरह सुनसान नजर आया और बसों की तलाश में यात्री सड़कों पर भटकते दिखाई दिए। कर्मचारी नेताओं ने बस स्टैंड परिसर में ही धरना दिया हुआ है और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दो दिन की हड़ताल ये देशव्यापी हड़ताल है। इसमें पूरा चक्का जाम पूरे प्रदेश के अंदर, बैंक हड़ताल पर है, रोडवेज हड़ताल पर, बिजली बोर्ड हड़ताल पर है। 9-10 ट्रेडें हैं, यूनियन ट्रेडें 10 से बहुत बड़ी ट्रेडें यूनियन है, वो सारी हड़ताल में सर, क्योंकि रोडवेज का हम बता देना चाहते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर एक भी बस डिपो से बाहर नहीं निकली। कुछ किलोमीटर की बसें हैं, जो किलोमीटर स्कीम की बसें हैं वो कुछ इक्का दुक्का बाहर निकली हैं। रोडवेज के अंदर दो दिन पूर्ण हड़ताल है। अधिकारियों ने कोशिश की है, परंतु हमें ना तो कोई गेट बंद किया है और ना हम यहाँ अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, प्रदर्शन धरना कर रहे हैं यहाँ। इसलिए रोडवेज का 100 का 100 पूरा कामयाब है। और हम सरकार से मांग करते हैं परिवहन बेड़े के अंदर 10,000 नई बसें लाए जाए, बेरोजगार जो बेरोजगारी है रोजगार मिलेगा और परिवहन विभाग में पब्लिक को सुविधाएं मिलेंगी। सर, जो ये कल की जो हड़ताल थी और आज की भी है, तो कल कितना नुकसान होगा रोडवेज? कल नुकसान तो रोडवेज का जो कैश आता करोड़ों का, डेली जो करोड़ों का कैश आ रहा है, वो उसमें कुछ भी ना हमारी कोई टिकट कटी है, ना कोई बसों में तेल डला है, ना कोई बक्सा बनाया है। इसलिए हमें सरकार से अपील करना चाह रहे हैं परिवहन बेड़े में बसें, नई बसें जोड़ी जाएं, तो बेरोजगारों को रोजगार मिले और पब्लिक को सुविधा मिले। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी मिलने के लिए आया सर आपको? प्रशासनिक अधिकारी अपना जो कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आए हैं
परंतु हम शांतिपूर्वक हम किसी बस के आगे नहीं लेटे, ना हमने कोई बस रोकी है आज तक, किसी बस को हम नहीं रोके। लोग अपने आप हड़ताल में हैं, पूरा दफ्तर हड़ताल में है, वर्कशॉप हड़ताल में, चालक और परिचालक 100% हड़ताल हमारी कामयाब। कितनी बसें निकली हैं सर यहाँ से? 2 या 3 बसें निकले किलोमीटर की, 1-2 किलोमीटर स्कीम पुलिस लाइन, किलोमीटर स्कीम पुलिस लाइन से पहले भेजी गई थी 2 या 3-4 बसें, वही आई और वापिस यहाँ आ गई। तो आगे क्या रणनीति रहेगी सर? आगे सर हमारे जो देश के प्रदेश के नेता हैं, जो आगे हमारे साथ है, तालमेल करके जो भी निर्णय लेंगे हम उस पर खरा उतरेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि परिवहन विभाग को सरकार बताए रखे, क्योंकि हमारे पास बसें नई बसें नहीं है, 4-5 साल हो गए कोई नई बसें नहीं आ रही, पुरानी कंडम होती जा रही हैं, कर्मचारी टायर हो रहे हैं, वर्कशॉप बंद हो गई है, यहाँ कर्मचारी नहीं है। क्या नाम और क्या पता सर? सर मेरा नाम सुरेंद्र मलिक, चेयरमैन रोडवे कर्मचारी यूनियन। ट्रेड यूनियनों की जारी हड़ताल का असर कैथल में भी देखने को मिल रहा है, हालांकि यह असर मिला जुला है। यहां कई सरकारी विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो कई विभागों में कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। हालांकि कैथल नगर परिषद के कर्मचारी पूरी तरह से हड़ताल पर हैं। जिला भर के विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के कर्मचारियों ने आज कैथल में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन के नेताओं ने इस हड़ताल को सफल बताया है। भारतीय किसान खेत मजदूर यूनियन के जिला सचिव प्रेम ने कहा, सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और गरीब आदमी को मारने का काम कर रही है। सरकार की मंशा है कि देश के सभी सरकारी संस्थानों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया जाए, जिसके चलते कर्मचारियों में रोष है। देखो, जो राष्ट्रव्यापी जो ये हड़ताल है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर की जा रही है, और इसके जो मुद्दे हैं मुख्य रूप से, जो केंद्र की जो सरकार है वो निजीकरण की नीतियां लागू कर रही है। जैसे अभी पिछले दिनों सरकार ने फैसला ले लिया मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, यानी कि जो सरकारी महकमे हैं, रेलवे, बैंक, बीमा, हवाई अड्डे, बंदरगाह, इनको बेचेंगे, 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा करेंगे और उससे सरकार का खर्च चलाएंगे। ये जो सरकारी प्रॉपर्टी है हमारे बुजुर्गों ने इसको जोड़ा था इसलिए कि इसमें पक्के रोजगार मिलेंगे और लोगों को जन सुविधाएं मिलेंगी, सरकार इसको ख़त्म कर रही है। ये हड़ताल कह रही है भाई ये गलत है, ये फैसला सरकार को वापस लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ही है, केंद्र और राज्य सरकारों में जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें पद खाली पड़े हैं ढेरों की संख्या में, उसमें भर्तियाँ नहीं हो रही, यह भी भर्तियाँ उसमें करी जानी चाहिए। और सामाजिक सुरक्षा के लिए पहला जो लेबर कोड थे 44 श्रम संहिताएँ थी, इस सरकार ने कारपोरेट के कहने पे 29 जो श्रम संहिताएँ थी उनको 4 कोड में बदल दिया सारी मिला के, और मजदूरों की जो सामाजिक सुरक्षा थी उसको ख़त्म कर दिया। हालांकि मजदूरों के विरोध के बावजूद अभी तक सरकार लागू नहीं कर पाई, लेकिन करने के लिए सरकार तत्पर है। हम इसका भी विरोध कर रहे हैं, ठेका प्रथा का विरोध कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने का विरोध कर रहे हैं, मनरेगा में बजट बढ़ाने के पक्ष में हैं, और सबको पक्का रोजगार मिले, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये मिले, और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका पक्का करे, और महंगाई पर रोक लगे, खाद्य सुरक्षा गारंटी हो, ये मुख्य रूप से मांग है। इसलिए ये हड़ताल है और बहुत सफल हड़ताल है, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग इस हड़ताल में शामिल हुए हैं, और सरकार नहीं चाहती तो ये आंदोलन और भी आगे बढ़ेगा।